हेलो स्टूडेंट्स, अब तक इसके पहले आपने लेसन नंबर 4 कंप्लीट किया है, आज लेसन नंबर 5 एक्सपोनेंट्स आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जब कोई एक नंबर होता है जिसके हम वहाँ पे उसकी दूसरे नंबर को उसके थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पे 6 की पावर यहाँ पे 3, तो ये जो 6 हो गया इसको हम बोलते हैं यहाँ पे बेस, और जो यहाँ पे जो 3 होता है जस्ट थोड़ा सा ऊपर करके लिखा गया होता है इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो है, और जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा बेस से थोड़ा ऊपर और उसे छोटा लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको, ये जो नोटेशन आपका लिखा गया है इसको हम क्या बोलते हैं, पावर नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, पावर नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसी भी बेस्ट क्वेश्चन हैं, तो बेस्ट क्वेश्चन में यहाँ देखिए, सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, रूल्स भी आप यहाँ पे कर लीजिए। देखो, ये रूल से पहले आप देखिए और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दिए हैं इसमें 2 × 2 × 2 × 2 अपान 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे आप देखिए, सभी नंबर्स यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करके लिखे गए, लेकिन सेम नंबर है। तो जब इस तरह का कोई फॉर्म आपको लिखे, ठीक है, कोई दिखे यहाँ पे, तो आप उसको वहाँ पे कर सकते हो। जितना नंबर्स हैं, कितना कौन नंबर है, 2, और 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 2 raised to power 4, या पावर बेस को कहते हैं हम 2 raised to power 4, और नीचे 3 कितने टाइम्स है, 3 जो है वो 4 टाइम्स है, तो इसको हम 3 raised to power 4। और चूंकि दोनों का सेम है पावर, इसको हम एक साथ यहाँ लिख सकते हैं 2/3 whole power 4। तो ये इसका जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका हो जाएगा 2/3 whole power 4। लेकिन अगर यहाँ पे अगर डिफरेंट होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ पे आपका 6 होता या 5 होता पावर इसका, तब आप सबको अलग अलग लिखते, जैसे हमने अलग लिखा है, क्लियर है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद आते हैं कुछ रूल्स, वो रूल्स देख लीजिए क्या होते हैं, वो रूल्स जो है आप देखिए क्या होते हैं। देखिए, फर्स्ट रूल जो यहाँ पे फर्स्ट रूल है वो ये है, सपोज जैसे हैं इसमें फर्स्ट, सपोज कि यहाँ पे एक नंबर ए है और दूसरा नंबर यहाँ पे बी है, ठीक है, ए अपान बी होल पावर यहाँ पे एम, और फिर इन टू ए अपान बी होल पावर एन, इस तरह से हो। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे जब देखिए, जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में हमेशा पावर को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए अपान बी होल पावर एम प्लस एन हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्लियर है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे देते हैं, यहाँ पे 2 raised to power 3 × 2 raised to power 5, बेस दोनों का सेम है, तो ऐसी कंडीशन में हम बेस को सिर्फ एक बार लिखेंगे और 3 और 5 दोनों को ऐड करके लिखेंगे 2 raised to power 8 आएगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखें यहाँ पे, जब दोनों क्या हो, मल्टीप्लाई के बेस को डिवाइड, ए अपान बी होल पावर एम डिवाइडेड बाई ए अपान बी होल पावर एन, ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लाई का तो हमने ऐड किया था, और जब डिवाइड देगा तो ये हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये आएगा आपका ए अपान बी होल पावर एम माइनस एन, जैसे 2 raised to power 5 × 2 raised to power 3 है। ऐसी कंडीशन में पावर से हम पावर को माइनस करेंगे, तो आएगा यहाँ पे 5 से 3 जाएगा, आएगा 2, ये हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, सेकेंड लाओगे यहाँ पे। अब इसके बाद थर्ड देखिए, जैसे a raised to power m whole power n, पावर का भी पावर अगर हो, तो ऐसी कंडीशन में हम पावर का पावर में मल्टीप्लाई तो a raised to power m n कर देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, जैसे 2 raised to power 5 whole power 2, तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 5 × 2 = 10, 2 raised to power 10 भी आंसर, ठीक है। फोर्थ देखिए, किसी भी नंबर का पावर अगर वहां पे जीरो है, क्या है, जीरो, कोई भी नंबर है अगर पावर वहां पे जीरो लगा तो टोटल वैल्यू उसकी हो जाती है 1, सीधे टोटल वैल्यू से क्या हो जाएगी 1। जैसे यहाँ पे हम लिखिए 243, पावर यहाँ लगा दिए 0, पावर कितना लगा दिए 0, ऐसी कंडीशन में इसकी पूरी वैल्यू, टोटल वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, समझ आया। फिर देखिए फिफ्थ है, अगर यहाँ ए अपान बी, ये है यहाँ पे होल पावर यहाँ लगा दिए माइनस वन को हम इनवर्स भी बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में जब यहाँ पे पावर आपका नेगेटिव हो, तो आप जो फ्रैक्शन होता है उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, ए अपान बी था इसी को आप यहाँ पे बी अपान ए कर दीजिए, पावर जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 लिखा नहीं है तो आप बी अपान इसकी वैल्यू हो जाएगी,
जैसे यहाँ पे 2/3 होल पावर -2 लिख देते हैं, ठीक है, तब इसका जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 3/2 पावर पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व कर दिए, 3² कितना आएगा, 9 और 2 का स्क्वायर 49/4, ये आंसर। क्लियर है? तो इस टाइप से यहाँ पे आप क्वेश्चन जो होगा आप एक्सरसाइज के आगे है, रूल्स हमने बता दिया, अब इसी के बाद फिर आपका एक्सरसाइज आप वहाँ पे सॉल्व कर लेना, ठीक है, या उसमें से एक दो एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे 2 inverse divided by 5 inverse whole power 2 multiplied minus 5/8 inverse, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ आपको सॉल्व करो, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था इनवर्स, तो आप उसको पॉजिटिव करिए, तो 2 inverse है तो 2 को अपन वन लिखा जा सकता है ना, तो ऐसे ही आप इसको क्या करोगे, रिसिप्रोकल करिए, ये हो जाएगा 1/2 divided by 5 भी इनवर्स है, ये हो जाएगा 1/5 होल पावर 2, होल पावर कितना है 2 मल्टीप्लाई -5/8 का इनवर्स, ये हो जाएगा यहाँ पे 8/-5, और पावर 1 लिखा नहीं जाता है। अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 लिख दिए, डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई करो तो ये रिसिप्रोकल हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, ठीक है, होल पावर इंटू 8/-5। अब देखो 1/2 होल स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 25 इंटू, फिर यहाँ 8 है, 8/-5, ठीक है, 25/1 लिखा जा सकता है। अब ऊपर से देखिए जो डिविजिबल है वो डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा और 5 से यहाँ पे 5 4 आ गया, 5 2 जा 10, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा -10, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप इसी में, देखिए चलिए इतना आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ओके थैंक्स।